विष्णुपाद प्रसूता से वैष्णवी नाम धारिणी पाहिमाम सर्वतो रक्षे गंगा त्रिपथ गामिनी ओम ह्रीं श्रीं गंगाय स्वाहा। केवल अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकत है? क्यों? अरे आपके पार कराए दे और स्वयं बीच मैदान में डूब जाए। क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब इस नाव नाव रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं? ऐसा नादान ना बनो कृपा निदान, चरणन का बखान हमाऊ सुने। इन्हीं चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमरी काठ की नैया न जाने कहां से कहां बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाव पर ना ही चढ़ावाएंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एकर एक मार्ग है। क्या? यदि इन चरणों की रजमा जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मलमल कर चरण रज धोएंगे, फिर वो चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे। यदि हमें ओकर जादू टोना से कुछ ना हुआ तो नाव पर पांव रखने देंगे। बस सोच ले, स्वीकार हो तो मंगाऊ गंगा जल। अरे ओ पर्वतिया, ये सोचत है तब तक कठौता में गंगा जल भर लिया। लावत है, अभी लावत है। भाई हम पर शंका मत करो, हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है, हम तो तुम्हारी तरह एक साधारण मानव हैं। नहीं नाव चढ़ी हो पग धोकर नाव।